पूरी बातें शायद बहुत मजे से कर रहे करें, करेंगे क्या बोल रहा हूँ मैं भी यार वो क्या भी है ना? हूं ना भूखा हूँ थोड़ा सा भूखा क्यों बताऊंगा तुम सबको अरे आज तो ना भाई साहब आतंक फैल गया मतलब आतंक बचा दिया हर हाँ जगह तो युवराज सिंह राज पुरोहित का पहला हाय आया है हाय युवराज सिंह हाय परीक्षित पांड्या हाय समजन हाय अशोक पारेग हाय अनुज हाय मोहम्मद पाहेर हाय शहरोज ईमान हाय हाय परीक्षित पांड्या हाय पार्थ पटेल हाय पंचाल मोहम्मद फेर पूछ रहे हैं कैसे हैं आप मैं एकदम अच्छा हूं मोहम्मद जय खत्री बोल रहे हैं हेलो मोहित भाई हेलो जय खत्री हाय किरण चोपड़ा वाह मतलब धीरे धीरे सब लाइव आ रहे हैं अच्छा लग रहा है बढ़िया लग रहा है जी अच्छी लाइट आ अच्छा रही है मैं लाइट के पास ही हूँ आप लाइट के पास कैसे हूँ देखो ये होटल का रूम है और ये लाइट एकदम पास में इसको पकड़ भी ले सकता हूँ क्योंकि मैं बेड पे खड़ा हुआ हूँ तो हाय आस्था सूद हाय गौरव गौड़ हेलो जी शांतनु गुप्ता जी हाय मृत्युंजय समल बिलीव क्यों क्या नहीं कर सकते आप हाँ हाय पूजा सारस्वत हाय नरेश स्वामी हाय सरोज सोनी मेरा कब के कह रहा तू मेरा कब के क्या भाई हाय आनंद शंकर हाय गब्बर मुझे खा गई कम हो गई है <laughs> बिल्कुल मेरे भाई तुमने एकदम सही कहा थोड़ा सा मेक ओवर कर रहा था

अच्छा पहले तो मैं तुम सबको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ कि मैं इतने प्यारी सी जगह पर अभी रुकाऊँ है ना भुवनेश्वर उड़ीसा तो बहुत ब्यूटीफुल है बहुत ज्यादा हदों में पीसफुल एकदम प्यारी शांत सी जगह है यहाँ के लोग भी इतने स्वीट है ना बहुत ही बहुत ही प्यारे लोग और ये मेरा पहला विजिट है भुवनेश्वर उड़ीसा में अच्छा तो ये तो रूम है और ये रूम की बालकनी है और यहाँ पे मस्त ना अपना जंगल शंगल टाइप है यहाँ पे बढ़िया पेड़ पौधे वगैरह है सब मेरे को बहुत पसंद है यार पेड़ पौधे वगैरह यहाँ पीछे लेक भी है बताओ अच्छा तो ये तो था रूम का व्यू अब जो मेन बात मुझे तुम सबसे करनी थी कि आज जो अपना कॉन्सर्ट गया साई इंटरनेशनल स्कूल में वो कैसा था ठीक है तो पहले उससे पहले की थोड़ी कहानी बताता हूँ तुम सबको सुनना चाहते हो तो बोलो अभी मतलब बोलो क्या शबा जावेद कह है यू लुकिंग नाइस थैंक यू शबा हाय मुकुल वर्मा हेलो निगार आनंद शंकर कह रहे मेरा नाम भी तो ले लो लिया ना देखो आनंद भाई पिंकी वर्मा कह रही यू आर टू क्यूट लव यू थैंक यू पिंकी वर्मा सॉरी <coughs> <coughs> हाँ, तो आज का अपना कॉन्सर्ट कैसा था अब उस बारे में बात करता हूँ आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है मुझे मुझे बहुत ज्यादा फील है आज जो हुआ है ना मतलब वो तो तबाही हो गई वहां पे और मतलब इतना प्यारा वहाँ के लोग इतने प्यारे हदों में प्यारा कॉन्सर्ट मतलब क्या बताऊ यार वो, वो कोई भी कॉन्सर्ट ना ता, अच्छा तब नहीं होता जब आर्टिस्ट अच्छा परफॉर्म करे मतलब आर्टिस्ट तो अपना बेस्ट देगा ही हमेशा कोशिश करेगा पर जब उसको ऑडियंस की तरफ से इतना प्यार मिलता है ना तो वो मतलब पागल वागल हो जाता है तो मैं तो पागल वागल हो गया हूँ परफॉर्मेंस से पहले क्या हुआ पहले होता था, था फिर परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा परफॉर्मेंस से पहले हुआ क्या आज मतलब कांड हो गया भाई मतलब पता नहीं कैसे मैं फ्लाइट से आ रहा था मुंबई से भुवनेश्वर और मैं जब लैंड किया तो मेरा जो बैग मैंने चेक इन के लिए दिया था मेरा लगेज था चेक इन के लिए वो गुम गया मतलब वो पता नहीं कहाँ पर है क्लियरफाई नहीं किया अभी भी मेरे को एयरलाइन वालों ने वो देखते हैं कल तक शायद पता चले कि मेरा बैग असल में है कहां पे ना वो भुवनेश्वर आया वो मुंबई में है कि नहीं उन्होंने मेरे को कॉल करके बताया भी नहीं और मैं पूछ भी नहीं पाया क्योंकि मेरा कॉन्सर्ट था यहाँ पे तो उसी प्रपरेशन करा था तो यार मेरा पता लगेज ही चला गया मैं यार सिर्फ मेरे इस लैपटॉप बैग के भरोसे आया हूँ लैपटॉप बैग में सिर्फ मेरा लैपटॉप था मेरी डायरी और पेन जो हर बार मैं अपने साथ में रखता हूँ जिसमें मैं गाने लिखता हूँ वो और मेरा चार्जर और, और एक छोटा पोर्टेबल स्पीकर ताकि मैं सुनू बढ़िया गाने शाने तो ऐसा हुआ मेरा सारा का सारा लगेज ना मतलब एयरपोर्ट पे पता तो नहीं ही चला गया वो अभी तक इतनी ढूंढ रहे हैं बताए इन्होंने मेरे को है मैं तो मेरे पास ना बॉटम लाइन बॉटम लाइन ये थी कि मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं थे पहनने के लिए मैं ये जो पहन रखा हुआ ना ये जो पहन कर आया ये क्या वही वही था मेरे पास में और कुछ बचा कुछ है नहीं बताओ पहनने के कपड़े नहीं खाने के लिए खाना नहीं ऐसा नहीं होना खाने सब कुछ था बस कपड़े नहीं थे मेरे पास में तो फिर <coughs> हुआ क्या अच्छा ये जो अपना कॉन्सर्ट हुआ आज एक स्कूल में हुआ जिसका नाम है साइन इंटरनेशनल स्कूल और ऐसा वैसा स्कूल नहीं है भाई ये है इंडिया के टॉप फाइव स्कूल्स में से एक साई इंटरनेशनल स्कूल सबसे टॉप फाइव स्कूल्स में से एक आता है बहुत अमेजिंग स्कूल है बहुत ही amazing audience, बहुत बहुत प्यारी क्राउड है ही ही अमेजिंग ऑडियंस प्यारे स्टूडेंट्स और हदों में प्यारे यार सब कुछ और यहाँ के सीई सर तो इतने 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 प्यारे मतलब क्या होता हूँ एक वीडियो शेयर करूंगा मैं जो उन्होंने एक गुड बाय जेस्टर मुझे दिया था मतलब सारे स्टूडेंट्स और सी जो चेयरमैन सर थे यहाँ पे स्कूल के उन्होंने मिलके वो वीडियो तुम देखोगे ना तुम, तुम, तुम उनसे प्यार हो जाएगा इतने प्यार से उन्होंने वो पूरा किया ना मतलब बहुत ही मतलब आए हाँ बहुत प्यारा मैं वीडियो शेयर करूंगा दो तो फोटोज भी शेयर करनी कॉन्सर्ट की पूरी तो हाँ तो अब अब बताता हूँ देखो लगेज चला गया अब उसके बाद में हुआ क्या कि तुम्हारे मोहित ने ना हर बार सोचा था मतलब मेरे को एक इच्छा थी हमेशा से कि यार मैं कभी किसी स्कूल या कॉलेज में कभी कॉन्सर्ट करूंगा ना तो कॉलेज में तो खैर नहीं होता इतना लेकिन कभी हो, कहीं होता हो तो स्कूलों में बहुत होता है कि स्कूल की यूनिफॉर्म होती है एक फिक्स तो मेरी बहुत इच्छा थी कि यार मैं जो जिस भी स्कूल में परफॉर्म करने जाऊँ ना उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के परफॉर्म करूँ स्कूल में मतलब क्या फ़न आए ना सोचो कि मतलब जिस जिस कॉन्सर्ट जिस जगह पर आप परफॉर्म करने जा रहे हो स्कूल में आप परफॉर्म करने जा रहे हो आपने उसी की यूनिफॉर्म पहन रखी है तो मतलब एकदम अपने सी फीलिंग आती है लगता नहीं है कोई और बाहर तो फिर हुआ क्या मेरा लगेज बहुत तुमको बताया घुम गया तो मैंने क्या जुगाड़ कहा यार कितना मस्त होगा होगा ना अगर स्कूल की यूनिफॉर्म जुगाड़ जुगड़ मतलब जुगाड़ के हो जाए और अपन वही पहन के परफॉर्म कर दें तो ऐसा ही हुआ यहाँ फेस्ट था, फेस्ट का नाम तो टी तो तो की की सब बनी थी क्या एंजल श्रद्धा के लिए स्टॉप एंड ड्रिंक वाटर गुस्सा हो जाऊंगी अच्छा वाटर इसलिए वो खांसी आ रही है अरे नहीं वो तो क्या कॉन्सर्ट के बाद में थोड़ा गला थका हुआ रहता है ना और लेकिन थका हुआ था उसके बावजूद देखो लाइव चैट तो करनी है यार लाइव चैट कैसे कैसे छोड़ सकते अपन लाइव चैट बहुत मुश्किल है कि कभी लाइव चैट अपन अपनी छूट जाए गलती से नहीं तो वैसे तो लाइव चैट नहीं छूटती भाई नहीं नहीं करेंगे भाई बातें तो करेंगे तो फिर ऐसा हुआ फिर वो परफॉर्मेंस हुई वहां पे सब लोगों ने साथ में गाना गाया कब के की डिमांड मतलब शुरुआत से कपकेक सुनना ही चाहते थे तो फिर ने है भी कपकेक। ए मुश्किल, अच्छा क्या है उड़ीसा में मैं उड़ीसा भुवनेश्वर आया परफॉर्म करने और उड़ीसा परफॉर्म करने आया और उन, का सबसे मतलब कहते ना सबसे फेवरेट सॉन्ग उड़ीसा के लिए सबसे प्राउड वाला सॉन्ग है रंगबती तो रोंगोबती मैंने सॉन्ग उन सब पे लास्ट में गाया और जो वो सब नाचे और जो मैं मैं नाचा मतलब मज़ा आ गया बहुत ही प्यारी क्राउड यार मतलब मैंने उनको प्रॉमिस भी किया है कि मैं सेल्फी अपलोड करूंगा मैंने उनके साथ में आज सेल्फी ली थी सब पूरी क्राउड के साथ में तो है ना वो पूरी क्राउड के साथ वाली सेल्फी मैं कल अपलोड करूंगा पेज पे कल या आज आज रात को तो नहीं आज रात को तो थो थोड़ा लेट हो गया है कल मैं अपलोड करूंगा और फिर वो सब ने कमेंट करेंगे कि हाय आई एम योर फ्रेंड फ्रॉम साई इंटरनेशनल स्कूल तो ऐसे करके मजा आएगा अच्छा मैं करता क्या हूं मैं जहां भी कॉन्सर्ट करने जाता हूं ना ये मेरी आदत सी है तो जब सब लोगों के साथ में मैं सेल्फी लेता हूँ तो एक मिनट मैं चार्जिंग पे लगा दूं हाँ तो सब लोगों के साथ जो मैं, मैं सेल्फी लेता हूँ ना पूरी ऑडियंस के साथ में तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं पेज पर डालूंगा और तुम सबको कमेंट करना है योर फ्रेंड फ्रॉम दिस प्लेस योर फ्रेंड फ्रॉम दिस प्लेस और फ्रेंड क्यों क्योंकि देखो जो सारे पेज के मेरे लोग हैं जो अपने सारे वो सब तो जानते हैं कि ऐसा क्यों है क्योंकि अपना कोई फैन वाला हिसाब नहीं है ना देखो मैं कोई सेलेबू हूँ ना तुम मेरे फैन हो मैं तुम्हारा दोस्त हो तुम मेरे दोस्त हो अपन सब अपने जैसे लोग हैं काय का सेलिब्रिटी कुछ नहीं होता यार एक बार टीवी पर आ गया इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मतलब कुछ अलग हो गया मैं गाता हूँ पहले भी गाता था मैं अभी भी गाता हूँ मैं पहले भी ऐसा ही दिखता था अभी भी ऐसा ही दिखता हूँ कुछ चेंज नहीं हुआ है टी पर आने का मेरी थोड़ा है कि मैं कुछ अलग ही हो गया भाई पता नहीं क्या सेलेब क्या हो मेरे को ये सब पसंद मतलब जचता नहीं है मेरे को समझ में नहीं आता क्या फर्क पड़ता है यार सब अपन इंसान है सबके पास तुम्हारे पास जो क्वालिटीज़ है वो शायद मेरे पास नहीं होंगी जो मेरे पास है वो शायद तुम्हारे पास नहीं होगा तो अपन सब अपने अपने तरीके से स्पेशल है कोई एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं है लाइफ में याद रखना हर कोई अपने अपने तरीके से स्पेशल है तुम अपने तरीके से स्पेशल हो मैं अपने तरीके से स्पेशल हूँ अपन सब स्पेशल हैं समझे तो कोई सेलेब फैन नहीं सब दोस्त लोग सब अपने अपने तरीके से स्पेशल बोलता हूँ और तो सारे दोस्त स्पेशल होंगे तुम सब स्पेशल हो मेरे लिए तो वही ऐसा ऐसा कॉन्सर्ट था बहुत ही प्यारे लोग मिले मुझे और बहुत बहुत ही अच्छा लगा यार बहुत ही ज्यादा दिल मतलब दिल आ गया यार जगह पे तो और अभी सबसे मस्त बात क्या होगी अभी मैं लाइव चैट खत्म करते ही यहाँ पे ना जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ पे ओडिया फूड मिलता है अच्छा और तुम्हें पता है कि ये मोहित के मोटे मोटे गाल मतलब पहले तो और भी मोटे थोड़े पतले हो गए मोटे मोटे गाल क्योंकि मोहित को खाना बहुत पसंद है और मैं जिस भी जगह जाता हूँ ना शो करने के लिए मैं उस जगह का स्पेशल फूड जरूर जरूर खाता ही हूँ तो यहाँ मैं उड़ीसा आया हूँ तो ओडिया फूड मैं अभी खाने जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में वो टेन थर्टी को क्लोज हो जाएगा तो मैंने उनको कहा कि मैं दस पंद्रह मिनट मस्त लाइव चैट करके आऊंगा फिर मैं खाऊंगा वाह लाइव चैट करके आऊंगा फिर खाऊंगा बताओ राइम भी हो गया तो है ना अभी मैं जाऊंगा मस्त खाना खाने बढ़िया वढ़िया फूड खाऊंगा यार मस्त यहाँ का टेस्ट तो लेकर आओ यार थोड़ा याद रखना रखी क्या था खाने का ना मुझे बहुत ज्यादा शौक है तो अच्छा अब मैं जाता हूँ फटाफट से खाना खाने ये थी आज आज के मुख्य समाचार कुछ इस तरह के थे थैंक यू सो मच हर बार यार बहुत अच्छा लगता है तुम सबसे यार मेरे को ऐसा लगता है मेरी दिल की भड़ास निकल जाती है मैं जो भी इच्छा होती है ना दिल में मैं बोल देता हूँ तुम सबको यही यही तो अपना है यार तुम सब मुझे बोलते हो अपने दिल में जो आता है मैं तुमको बोलता हूँ जो मेरे दिल में आता है यही तो दोस्ती मस्त तो युक्ति शर्मा प्लीज, प्लीज, अच्छा, युक्ति प्लीज, कह रही है प्लीज़ एक गाना प्लीज़ अच्छा युक्ति कह रही है गाना प्लीज़ शालू कश्यप कह रही हैं कि मैंने आपकी आवाज़ सुनी आपने हॉस्टल से रंगोबत्ती सनी सनी सैटरडे सैटरडे आई लव यू मोहित बट माई बैड लक आई कैंट सी यू नेक्स्ट टाइम श्योर लव यू लॉट तो शालू कश्यप ने इतना प्यारा कमेंट किया मतलब शालू कश्यप उसी आ, स्कूल से साई इंटरनेशनल स्कूल से पर वो किसी वजह से शायद हॉस्टल में रह गई वो आ नहीं पाई पाएंगे उनकी तबीयत ख़राब हुआ कुछ भी हो पर थैंक यू सो मच शालू आपने इतनी प्यार से सुना आपको सारे गाने भी याद आया थैंक यू

कि कहती जिंदगी में आया कैसा क्रिक है कहने कुछ भी तो मेरा कपकेक है तो तुम सब जो भी मुझे मेरा वीडियो भी देख रहे हो लाइव चैट देख रहे हो और जो भी देखने वाले हो सबके सब तुम ना मेरे कपके को प्यारे से और मेरे कपकेक्स अब मैं कहता हूँ तुम सबको बाय और अभी मैं जाऊँगा मस्त ओडिया फूड खाने के लिए मज़ा आएगा यार बस रेस्टोरेंट बनना हुआ तो जाने से पहले क्या करता है तुम सबको पता है जिसको नहीं पता वो कमेंट्स पढ़ो अच्छे से तुम सबको पता चल जाएगा कि मोहित जाने से पहले क्या करता है मैं नहीं बताऊंगा कमेंट्स पढ़ो पहले कमेंट्स आएंगे सबसे पहले तो कमेंट्स आ रे हैं सबको पता है क्या कमेंट करने है। जो पहली बार लाइव चैट देख रहे हैं शायद उनको नहीं पता होगा हाँ, तो हर ने सबसे पहले वो कमेंट किया जिसका मुझे इंतजार था हाँ, बहुत, बहुत लव यू, तो यू टू आई लव यू टू मोहित बस ये कहते बस खुश है अपना दिल और क्या चाहिए तो न जाने किस पे आएगा तुम सब पे आ गया ना बस अब कहीं जाएगा अरे वाह अरे ये तो एक और राय मुगी है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा न जाने किस पे आएगा अब तुम मिल गए तो और कहाँ जाएगा हाँ, क्या फर्जी शायर है दो कौड़ी की शायरी लिखता था ना तो मैंने खुद का नाम भी सोचा था कि मैं ऐसे कुछ खुद का नाम लू बाद में लव यू टू मोहित ऋतिका मित्तल कह रही लव यू टू ये बात रिद्धि महेश्वरी आई लव यू वॉइस थैंक यू सो मच रिद्धि अविनाश जैन कह रहे लव यू टू मोहित आशीमगर लव यू टू हाँ मोहित जाने से पहले कहता है आई लव यू बहुत दिल से आई लव यू एंड तुम सब उसे कहते हो तुम सब मतलब कौन मेरे अपने मेरे दोस्त लोग मेरी जाने जिगर तुम सब कहते हो लव यू टू मोहित बस और कुछ नहीं, अपना ऐसे नहीं होता बाय 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 अपना ऐसे होता है आई लव यू आई लव यू टू तो मेरी जाने बनो ध्यान रखो मैं भी ध्यान रखता हूँ मस्त अभी खाना खाने जाता हूँ तुम सब भी रेस्ट करो कल मंडे है बहुत सारा काम करना है बढ़िया से करना बढ़िया से इंजॉय करना मस्त लाइफ एकदम फिर से मिलते हैं ओके बब बाय एंड थैंक यू सो मच अगर साई इंटरनेशनल स्कूल वाले और भी अगर देख रहे लाइव चैट या बाद में कभी देखे तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी देयर एंड बहुत बहुत ही प्यारा रहा यार तुम सबके साथ में पता है मैं कभी नहीं भूलूंगा मतलब वन ऑफ दी मोस्ट मेमोरेबल शोज आई एवर डिड तो थैंक यू सो मच साइं इंटरनेशनल स्कूल फॉर दिस अमेजिंग लव दिस अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी दिस अमेजिंग अमेजिंग कॉन्सर्ट थैंक यू एवरी वन लव यू टू लव यू टू है जी बाय गुड नाइट